ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी, गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। नमस्कार, केमन आछेन बालुरघाट बासी, आपनादेर सकल के आमार विनम्र प्रणाम। और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज बालुरघाट का ये जन समूह, जन जन का ये उत्साह, और मैं बाहर देख रहा था हेलीकॉप्टर से उतरते समय चारों तरफ लोग ही लोग हैं। ये उत्साह और हमारी माताओं बहनों का ये आशीर्वाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार। 70 वर्ष से अधिक हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकान, पानी, बिजली, सिलेंडर जैसी सुविधाएं देश के हर गरीब तक पहुंचाई जाएगी। जब से मोदी का ये गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे, गरीबों को पीएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे, केंद्र मनरेगा का पैसा भेजती थी ये रोक कर बैठ जाते थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा,
तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं। लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है, मोदी गारंटी होलो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहां आदिवासियों दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठा कर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है, लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आंबेडकर के लोकतंत्र में दलित वंचित आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने दिए, यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गढ़ छोड़कर जाना पड़ता है। अभी जनवरी में भाजपा एनडीए सरकार ने यहां से सियालदाह को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है। बठिंडा से मालदा तक चल रही ट्रेन को भी बालूरघाट से जोड़ दिया गया है, क्योंकि आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत, यहां के कलाकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगह होती है। यहां के किसान तो जूट उगाते हैं, उससे देश की जरूरत पूरी होती है। इतने दशकों बाद ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कलाकारों की चिंता की है। हमने चीनी अनाज ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उपयोग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाभ हो। जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केयर योजना भी शुरू की है, जिसका लाभ बंगाल के 3 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। साथियों, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में
कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूं। आपको पश्चिम बंगाल के घर घर तक मोदी का प्रणाम पहुंचाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।